अजय देवगन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी का डबल धमाका। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन यानी कि अजय देवगन यूं तो अपनी एक्शन अवतार के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई तगड़ी एक्शन फिल्में दी हैं। फैंस उनके एक्शन अवतार पर मरते हैं। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म एक्शन नहीं बल्कि एक कॉमेडी फिल्म है। ये कॉमेडी फिल्म एक साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अजय देवगन और रोहित शेट्टी की हॉरर कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन की। गोलमाल फ्रेंचाइजी की इस चौथी फिल्म अजय देवगन के अलावा तबू, परिणीति चोपड़ा, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, अरशद वारसी और कुणाल खेमू थे। सभी एक्ट्रेस की केमिस्ट्री, शानदार कॉमिक टाइमिंग, हॉरर का जबरदस्त तड़का और रोहित शेट्टी का डायरेक्शन फिल्म को हिट होनी ही थी। हैरानी वाली बात ये है कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन को फैंस ने कॉमेडी वाले अवतार में जबरदस्त पसंद किया और तो और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। वहीं सिर्फ अजय देवगन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स जो सीरियस फिल्मों के लिए जाने जाते हैं वे भी कॉमेडी के हाथ आजमा चुके हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं। तो चलिए इसी बात पर आगे जाने बॉलीवुड की 10 सुपर हिट कॉमेडी फिल्मों के बारे में। जुड़वा 2। वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 पहली फिल्म थी जब वरुण धवन ने अपने पिता डेविड धवन के साथ काम किया था। वहीं ये 1997 में आई डेविड की फिल्म जुड़वा की रीमेक थी। इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आए थे। वहीं जुड़वा 2 में वरुण धवन डबल रोल में दिखे थे। फिल्म के आखिर में सलमान ने भी डबल रोल में कैमियो किया था। अब बात करते हैं फुकरे रिटर्न्स। वहीं फुकरे रिटर्न्स को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। ये फिल्म दिसंबर महीने में रिलीज हुई है। अब बात आती है जॉली LLB। जॉली LLB अक्षय कुमार की इस फिल्म ने भी लोगों को खूब हंसाया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 116.92 करोड़ की कमाई की थी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्म की ओर, बरेली की बर्फी। राजकुमार राव की फिल्म बरेली की बर्फी एक रोम कॉम फिल्म है। इस फिल्म ने जहां एक तरफ लोगों को हंसाया वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। अब बात करते हैं हाउसफुल। हाउसफुल सीरीज की पहली ही दो फिल्में आ चुकी हैं और अब हाउसफुल 4 भी रिलीज के लिए तैयार हो रही है। तो दोस्तों ये थी कॉमेडी फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।